इकॉलॉजिकल पायरामिड्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पायरामिड्स दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स दैट इज पायरामिड ऑफ नंबर्स पायरामिड ऑफ बायोमैस एंड पायरामिड ऑफ एनर्जी सो एकालॉजिकल पायरामिड्स तो स्टूडेंस इकालजिकल पायरामिड्स को डिस्कस करने से पहले जस्ट हम पहले थोड़ा कंसेप्ट इसका लेते हैं बेसिकली ये जो इकोलॉजिकल पैरामिड इकोलॉजिकल पैरामिड जो है बेसिकली सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनके दर रिलेशनशिप को शो करती हैं सो अगर सपोज हमारे पास एक इको सिस्टम है और हम इसके ड्रॉफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को स्टडी करना चाहते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इट इजी बाय मेथड ऑफ़ द इकोलॉजिकल पायरामिड्स इकोलॉजिकल पायरामिड्स के थ्रू हम क्या करते हैं इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं अच्छा पैरामिड जो होती है क्या होती है पैरामिड एक ऐसी शेप होती है जिसमें अगर हम देखें तो जस्ट एक इस तरह से होती है कि बॉटम से यह खासी ब्रॉड है और जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं ये नैरो डाउन होती चली जाएगी तो इस तरह से ये कि इसको हम क्या बोलते हैं ये जो है वो पैरामिडल शेप्स हैं तो अब पैरामिडल शेप क्या रिप्रेजेंट करती है ये रिप्रेजेंट ये करती है कि जो चीज़ बॉटम के ऊपर मौजूद है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है या उसका नंबर ज़्यादा है जो उसके ऊपर मौजूद है उसका वॉल्यूम या नंबर कम है और जो सबसे टॉप पर होगी उसका नंबर सबसे कम होगा या उसकी अमाउंट सबसे कम होती है तो सेम यही चीज़ जो है इको सिस्टम के अंदर जो एक्सप्लेन की गई है कि इकोलॉजिकल पैरामिड्स जो हैं जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये सिंपल शो करती हैं कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर या उनका मैथ हमेशा ज़्यादा होगा जैसे हम सेकेंड थर्ड फोर्थ के ऊपर चलते जाएंगे तो अल्टीमेटली हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर साइज़ क्या होता जाएगा रिड्यूस होता जाएगा या वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा सो लेट वी कम टू द

सेकेंड वन इज द पैरामिड ऑफ बायोमैस एंड थर्ड वन इज द पैरामिड ऑफ द एनर्जी सो फर्स्ट द पैरामिड ऑफ नंबर्स इकोलॉजिकल पैरामिड्स में अगर हम पैरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शो द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल ये हमारे पास एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को शो करती है जितने भी मौजूद हैं जैसे अगर हम बात करेंगे तो में हमेशा जो बेस पर होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसके ऊपर सेकेंड थर्ड एंड देन द फोर्थ वन हमारे पास आएगा सो so, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट द प्रोड्यूसर्स दे विल मेक द बॉटम लाइन ऑफ दी बॉटम लाइन ऑफ दी पायरामिट वो पायरामिड की इकोलॉजिकल पायरामिट की बॉटम लाइन बनाएंगे अब चूंकि जो टेरिस्टोरियल इको सिस्टम के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए जो प्लांट का नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद हरबीवोर्स का नंबर आएगा उसके बाद कार्निवोर्स का आएगा और उसके बाद यूनि कार्निवर्स की दो फर्दर टाइप्स चाहे आ जाएंगे उसकी जो टाइप्स उसमें होंगे सो हेयर इन दिस डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं पारामिड ऑफ नंबर्स में सो द बॉटम एट द बॉटम अगर हम देखें तो दे आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ तो रहे हैं देयर नंबर इज़ हाइस्ट देन फाइव पॉइंट एट मिलियंस हैं अगर हम उसके बाद देखें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स उनका नंबर प्राइमरी प्रोड्यूसर से कम है यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से क्या है इसका नंबर कम है दैन सेकेंडरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर प्राइमरी कंज्यूमर से कम है और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर में हो गया पैरामिट ऑफ नंबर से हमें दो चीज़ें जो है एक तो ओवरऑल पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ ऑर्गेजम किसी भी इकोसिस्टम में के जो ट्रॉफिक लेवल है उसके ऊपर कितना है दूसरा हिस्से हमें यह पता चलता है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के आपस में रिलेशनशिप क्या है रीजन ये है कि क्योंकि हमेशा एनर्जी ने एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मूव करके जाना है तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल्स में टॉप की तरफ चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इट विल बी डिक्रीजिंग विद एवरी ट्रॉफिक लेवल सेकेंड वन इज द पैरामिड ऑफ द बायोमैस पायरामिड ऑफ नंबर की तरह पायरामिड ऑफ बायोमैस जो है इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ बायोमैस प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल सो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कितनी बायोमैस की अमाउंट क्या वो मौजूद है सो so, नॉर्मली जो बायोमैस है इसको हम ड्राई मैस इन ग्राम्स पर स्क्र मीटर जो है उसको मैयर किया जाता है जिन इसका अगर यूनिट हम देखें तो ड्राई मैस इन ग्राम्स पर स्क्र मीटर्स सो पायरामिट ऑफ बायोमैस जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सिंपली जो पायरामिड ऑफ बायोमैस में जो बॉटम लाइन है इसके ऊपर अगेन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो चूंकि प्लांट्स ज्यादा हैं तो उनका बायोमैस भी ज़्यादा होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का बायोमैस सबसे ज़्यादा होगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का बायोमैस फर्स्ट से कम होगा इसे थर्ड का सेकेंड से कम होगा जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर चलते जाएंगे अमाउंट ऑफ बायोमैस क्या होती चली जाएगी डिक्रीज होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी अच्छा अगर हम एकटिक इको को लेते हैं ना तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी इन्वर्स हो जाती हैंटिक इको सिस्टम में जो टॉप के ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स हैं यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रशरी कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमैस ज़्यादा होता है जबकि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ऑर्गेनिजम है उनका बायोमैस कम होता है इसलिए अगर हम कंपेयर करें ये जो आपके पास सामने डायग्राम है दिस इज द पायरमेंट ऑफ बायोमैस फॉर टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम ये सिंपल ये अपराइट पायरामिड है अपराइट पैरामिड मीन जो नॉर्मल पायरामिड की शेप है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है अगर हमारे पास एकस्टम की पैरामिड होगी तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी उसको हम कहते हैं इनवर्टेड पैरामिड है तो एक्वेटिक इको सिस्टम की जब बायोमैस की हम पायरामिड बनाएंगे इट विल बी द इनवर्टेड पायरामिड ऑफ बायोमैस जो होगी जबकि ये जो हमारे पास है ये चीज़ा अपराइट पैरामिड ऑफ द बायोमैस होगी थर्ड वन इज द पायरामिड ऑफ एनर्जी पायरामिड ऑफ एनर्जी शोज शोइंग दैट वट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रजेंट एट पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल तो पायरामिड ऑफ एनर्जी को अगर हम देखें तो अगेन बाकी पायरामिड्स की तरह यहाँ भी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इट इज़ हैविंग हाइस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्योंकि जैसे ही एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो तकरीबन नाइन्टी परसेंट एनर्जी जो है वेस्ट हो रही होती है और टेन परसेंट एनर्जी जो अगले ट्राफिक लेवल में जा रही होती है इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर चलते जाएंगे तो टेन परसेंट एनर्जी जो है एक ट्राफिक लेवल से नेक्स्ट मैच ट्रांसफर हो रही है तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती तो जाएगी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करती चली जाएगी यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है देन प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रशरी कंज्यूमर एंड द सबसे अगर क्वार्टर कंज्यूमर्स मौजूद हैं तो उसकी एनर्जी जो सबसे कम होगी तो बॉटम लाइन इज़ हैविंग हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी और ट्रॉफिक लेवल में जैसे से ऊपर जाएंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिड्यूस